खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश के कई राज्यों में मॉनसून तबाही लेकर आया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। बारिश के चलते कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर इलाका, नदियां उफान पर हैं, बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। कई ऐसे गांव हैं यहां पर जो कि पूरी तरह से डूब गए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ऐसी है जहां से घरों से भी निकल नहीं पा रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं। सरकारें कितना ही विकास के कामों में पारदर्शिता का दावा करें, लेकिन आखिर में पोल खुल ही जाती है। यूपी के गाजीपुर में बारिश ने एक ऐसी ही सड़क के निर्माण में पारदर्शिता की पोल खोल दी है। यहां मात्र 6 महीने पहले बनी सड़क महज 2 दिन की बारिश में टूट गई। सड़क टूटने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात मानी और कार्रवाई करने की बात कही। 6 महीने पहले सड़क बनी थी और देखिए बारिश ने किस तरह इसकी पोल खोल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीरें हैं। 2 दिन की बारिश में सड़क में गड्ढे हो गए। यूपी के बाराबंकी में घाघरा की कटान लोगों की मुसीबत बन गई है। घाघरा से सटे कई गांव में कटान से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी और ये घाघरा नदी देखिए किस तरह उफान पर है। और यहां से सटे हुए जो गांव हैं कटान के चलते, वहां पे लोग दहशत में हैं। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब आपको यूपी के देवरिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां बारिश ने शहर का बुरा हाल कर रखा है। तेज बारिश के बाद शहर की पुलिस लाइन में पानी भर गया है। ये देखिए पुलिस थाना है उत्तर प्रदेश का देवरिया, ये भी जलमग्न हो गया है। घुटनों तक यहां पर पानी है, बारिश से बुरा हाल है। कितना जल जमाव हो गया है, देवरिया की यह तस्वीर है। तेज बारिश के बाद शहर की पुलिस लाइन, जहां कितना जल जमाव हो गया है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।